गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? ऑल गुड. सो स्टूडेंट्स, लेट अस स्टार्ट आवर क्लास. एज यू नो, जैसा कि आप जानते हैं, सेमेस्टर वन कंप्लीट हो गया हमारा जनरल साइंस का. नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट सेमेस्टर टू. सेमेस्टर टू की बुक ओपन करेंगे, और आज हम वापस सेमेस्टर टू का क्या स्टार्ट करने वाले हैं, फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं. सो लेट अस स्टार्ट. यू कैन सी हमारे सेमेस्टर टू पे दो यूनिट है. यूनिट फर्स्ट अवर आर इन्वायरमेंट, और सेकेंड यूनिट टू डिस्कवरिंग थिंग्स. तो इस पे फर्स्ट यूनिट पे हमें 4 चैप्टर्स हैं, सेकेंड यूनिट में 3 चैप्टर्स हैं. चलिए फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं. सो ओपन द पेज नंबर 154. सेमेस्टर टू का 154 ओपन करेंगे पेज नंबर. यूनिट फर्स्ट आर एनवायरनमेंट का फर्स्ट चैप्टर 1 है सन एंड इट्स फैमिली. सूर्य और उसका परिवार. सूर्य जो हम जानते हैं, रोज सुबह सुबह निकलता है ना सूर्य, तो उसका हम जानते हैं उसके बारे में. तो उससे रिलेटेड हमें यहाँ पर टॉपिक्स क्लियर करनी है. तो यहाँ पर लर्निंग पॉइंट्स दो है हमारे. सन एंड स्टार आर अलाइक, जो आज हम देखने वाले हैं. जो सूरज है और तारे हैं, जो रात को हमें तारे दिखाई देते हैं, वो एक ही हैं. तो उसके बारे में आज पढ़ेंगे. और नेक्स्ट डे हम पढ़ेंगे द सन एंड इट्स प्लैनेट, सूरज और उसके ग्रह कौन कौन से, वो हम नेक्स्ट डे पढ़ेंगे, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे. ठीक है, तो आज हम स्टार्ट करते हैं द सन एंड स्टार आर अलाइक. सूर्य और तारे एक ही हैं. ग्लॉसरी वर्ड हम आप बाद में पढ़ लेंगे. चलिए मैं थोड़ा सा बता दूँ. मिलियन, मिलियन इंग्लिश वर्ड है. मिलियन 10 लाख होता है ना, 10 लाख को 1 मिलियन कहते हैं. बिलियन 1 अरब को कहते हैं, सॉरी 1 करोड़ को कहते हैं बिलियन. नो, देखिए यूनिट, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़ अरब. वन अरब को कहते हैं बिलियन. एंड वन 10 खरब हुआ. यूनिट वन, सॉरी यूनिट टेंस हंड्रेड, यूनिट टेंस हंड्रेड थाउजेंड, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़ अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, 10 खरब, 10 खरब को कहते हैं ट्रिलियन. बिलियन 1 अरब को, और 10 खरब को ट्रिलियन, और 10 लाख को कहते हैं मिलियन. ये मतलब बड़ा अमाउंट है. ये हमारे अमेरिकन अमाउंट, जैसे हमारे इंडियन अमाउंट क्या होता है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, ये हमारे इंडियन का जो मुद्रा बोलते हैं इंडियन, तो इंडियन करेंसी का रीडिंग ऐसे करते हैं. पर ये अमेरिकन है, मिलियन, ट्रिलियन, बिलियन. ओके, सोलर सिस्टम मतलब जो हम सौर परिवार है. सोलर सिस्टम मतलब सौर परिवार, मैं हिंदी में बता देती हूँ आपको. प्लैनेट मतलब ग्रह होता है. कॉमेट्स, ऑर्बिट, कक्षा, रिवॉल्व, घूमना, रोटेट, घूमना. एटमॉस्फेयर हमारे आसपास का वातावरण. रिफ्लेक्ट, परावर्तन, रिफ्लेक्ट होता है ना, परिवर्तित होता है. स्टार्स, तारे, एस्ट्रॉइड्स, वो पिंड. स्टार्स, एस्ट्रॉइड मतलब पिंड, आकाशीय पिंड में मेटोर्स मतलब आकाशीय पिंड, और एस्ट्रॉइड मतलब होता है क्षुद्र ग्रह, छोटा ग्रह, लघु ग्रह, है ना, छोटे छोटे ग्रह जो होते हैं ग्रह पिंड, उनको एस्ट्रॉइड कहते हैं. कॉमेट्स मतलब होता है धूम केतु. तो ये सारी चीजें मैं आपको कॉपी पे लिखवा दूंगी, है ना. तो अभी के लिए आप इतना ही जान लीजिए ओरली. चलिए इस चैप्टर पढ़ते हैं. आज हम पढ़ रहे हैं पॉइंट्स, हमारा है सन एंड स्टार आर अलाइक, सूर्य और तारे एक जैसे हैं. चलिए कैसे हैं. इट वाज 8 o'clock एट नाइट. यह रात का 12 बजे था, है ना, यह रात के 12 बजे थे. रेहाना एंड हर फादर वर सिटिंग ऑन दी टेरेस. रेहाना और उसके फादर कहाँ बैठे थे, टेरेस पे बैठे. टेरेस मतलब छत पे बैठे हुए थे. There was not a cloud in the sky. आसमान में क्या था, नहीं बादल भी नहीं थे. रेहाना looked up and saw hundreds of shining dots of light. रेहाना ने ऊपर देखा और बहुत सारी सैकड़ों क्या देखे उसने, चमकते हुए डॉट्स देखे, बिंदु देखे लाइट के, मतलब उजाले वाले. ओ लुक एट द स्टार्स पापा, she exclaimed. अरे वो देखो तारे, उसने क्या क्या बोला, किससे बोला, उसने कहा, किससे कहा, अपने पापा से कहा, जोर से चिल्लाकर कह रहे पापा ये देखिए तारे. वुडंट इट बी नाइस इफ कुड सी द स्टार्स ड्यूरिंग द डे एज वेल. कितना अच्छा होता ना अगर हम इस सब तारों को रात दिन में भी देख पाते. हर फादर स्माइल, उनके पापा मुस्कुराए. इन दी
एनी टाइम डे टाइम वी जस्ट सी वन स्टार, दिन के समय हम केवल क्या देख सकते हैं, एक ही तारा देख सकते हैं। कितना अच्छा होता, बोलती है कि कितना अच्छा था हम दिन में भी इसे देख पाते हैं। तो उनके पापा मुस्कुरा कर कहते हैं कि हम दिन में केवल एक ही तारा देखते हैं। इट्स अ ब्राइट इस ब्रिलियंट ऑरेंज येलो स्टार, ये बहुत ही खूबसूरत सा ब्रिलियंट सा बहुत ही अच्छा सा ऑरेंज कलर का येलो कलर का स्टार है। यू मीन द सन, आस्क प्रिहाना, आपका मतलब सूरज से है, ऐसा रेहाना ने कहा। ठीक है, यस द सन इज ऑल्सो स्टार, उसके पापा कहते हैं हाँ सन सूरज भी एक तारा है। बट एज इट इज सो क्लोज टू द अर्थ, जैसा कि हम जानते हैं कि वो हमारे धरती से बहुत पास है। इट आउटशाइंस ऑल ओवर द स्टार दैट सराउंडेड प्लैनेट अर्थ, इसलिए वो सबसे ज़्यादा हमारे सूर्य हमारे अर्थ पे चमकता हुआ दिखाई देता है और उसके उसके सामने हमें बाकी स्टार्स नहीं दिखाई देते हैं। ही टोल्ड हर, उसने उन्होंने बताया, आफ्टर द सन डिसअपियर एंड इट्स बिकम डार्क इट्स बिकम्स डार्क वी कैन सी ऑल दी अदर स्टार ट्विंकलिंग इन द स्काई, और जब सूरज डूब जाता है या फिर सूरज नहीं दिखाई देता तो चारों तरफ अंधेरा हो जाता है और फिर तभी हमें बाकी स्टार भी झिलझिलमिलाते हुए दिखाई देते हैं। क्यों दिखाई देते हैं, देखिए बाकी जो स्टार्स हैं ना वो भी सूर्य जैसे बहुत बड़े बड़े हैं, बहुत ही ज़्यादा उजाले वाले हैं, लेकिन वो बहुत ज़्यादा दूर है। तो जो क्या कहते हैं, बहुत ज़्यादा दूर होने की वजह से वो हमें नहीं दूर होने की वजह से बहुत छोटे दिखाई देते हैं, और सूर्य है जो बाकी स्टार से थोड़ा पास में है तो वो जल्दी ही दिखाई देता है। चलिए आगे मूव करते हैं, पेज नंबर 155 को में देखते हैं। फादर टोल्ड रेहाना दैट द सन एंड द स्टार्स आर अलाइक, रेहाना के फादर ने रेहाना से कहा कि सूरज और तारे एक ही जैसे हैं। क्या बोला, कि सूरज और तारे एक ही हैं, अलग अलग नहीं है। The stars are huge glowing balls of fire that give off light and heat. जो तारे हैं वो बड़े बड़े क्या हैं, बड़े बड़े आग के गोले हैं जिनसे बहुत ज़्यादा उजाला और लाइट और गर्मी निकलती है। In fact, many of the stars are like our sun. बहुत सारे तारे तो हमारे सूर्य जितने बड़े हैं, सूर्य जैसे हैं। They shine brightly and steadily. ये लगातार और बहुत ही ज़्यादा चमक के साथ चमकते हैं। द ओनली डिफरेंस इज दैट दे आर बिगर और स्मॉलर, ब्राइटर और डीमर, हॉटर और कूलर। इनमें केवल यही डिफरेंस होता है कि कुछ बड़े हैं और कुछ छोटे हैं, कुछ ज़्यादा चमकीले हैं कुछ कम चमकते हैं, कुछ ज़्यादा गर्म है कुछ थोड़े ठंडे हैं। सेम सम स्पाइन अराउंड मेनी टाइम्स एवरी सेकेंड एंड सम एक्सप्लोड इन टू स्पेस, कुछ क्या कहते हैं हर सेकंड कुछ घूमते रहते हैं और कुछ स्पेस में टूटते फूटते रहते हैं, है ना, विस्फोट होते रहते हैं। द सन इज द कूलेस्ट स्टार इन द अर्थ, जो सूरज है वो सबसे ज्यादा सॉरी द सन इज क्लोजेस्ट स्टार टू द अर्थ, यस सूर्य सबसे पास का तारा है, धरती के सबसे पास का तारा है। एंड इट्स वार्म एंड लाइट कीप अस अलाइव, और इसकी गर्मी और प्रकाश ही हमें जिंदा रखता है। सो इट इज स्पेशल टू अस, इसलिए हमारे लिए बहुत क्या है, स्पेशल है, कैसा है, बहुत ज़्यादा स्पेशल है। हियर इज एन एक्सपेरिमेंट दैट एक्सप्लेन वाई द स्टार्स लुक सो स्मॉल, यहाँ पास एक एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है जिससे हमें पता चलता है कि स्टार्स जो हैं वो कितने छोटे क्यों हैं। इवन मेन सम ऑफ देम आर मेनी टाइम्स बिगर देन आर सन, जबकि ये कई स्टार तो हमारे सूर्य से भी बड़े हैं फिर भी वो हमें छोटे क्यों दिखाई देते हैं, इसके लिए एक एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है। चलिए एक्सपेरिमेंट देखते हैं, पढ़कर बताओ, ऐसी बताती हूँ। आप लोगों ने कभी कभी देखा होगा जब ऐसे रोड पे खड़े रहेंगे कभी कभी तो आप देखेंगे कि जो दूर से आ रही होगी रात के टाइम में जो कार या कार, तो उसकी जो लाइट है बहुत छोटी दिखाई देती है ना, और जो पास आती जाती है तो वो बड़ी दिखाई जाती है। क्यों, क्योंकि
रहती तो उतनी बड़ी है, पर वो जब दूर रहती है तो हमें छोटी दिखाई देती है, और उसकी लाइट जो है वो कम हम तक पहुंचती है, लेकिन जब वो पास आती है तो एकदम ज्यादा ब्राइटली चमकता है और बड़ा पूरा अपने साइज का दिखाई देता है। तो वही डिफरेंस है, जो तारे ना बहुत ज्यादा दूर होने की वजह से उनकी लाइट भी हम तक कम पहुंचती है और वो हमें छोटी दिखाई देते हैं, जबकि सूर्य क्या होता है, सूर्य हमारे उनसे उनसे थोड़ा पास में है, मतलब हमारे सबसे ज्यादा क्लोज का तारा वही है सूर्य, तो उसकी लाइट भी हमें बहुत ज्यादा पहुंचती है और वो हमें अपने बहुत बड़े मतलब उनसे बड़े साइज में दिखाई देता है, जबकि बहुत बड़ा है ये जो दुनिया है ना, धरती है ना, अर्थ, उससे भी कई गुना ज्यादा बड़ा है। वॉच अ कार विथ इट्स हेड लाइट्स ऑन कमिंग टूवर्ड एट यू एट नाइट, रात के टाइम एक कार को हेडलाइट्स को देखिए जब वो आपकी तरफ आ रही हो, व्हाट डू यू नोटिस, क्या आपने देखा, यू विल सी दैट द लाइट्स लुक क्वाइट टाइनी व्हेन द कार इज फार अवे, बट इट बिकम बिग ब्राइटर एज इट कम्स क्लोजर टू यू। आप देखेंगे कि क्या होता है जब लाइट दूर रहती है रात के टाइम में, जो बहुत थोड़ी छोटी दिखाई देती, थोड़ी सी छोटी दिखाई देती है जब वो दूर होती है, लेकिन जब वो पास आती जाती तो उतना ही ज़्यादा उसकी चमक बढ़ जाती है जब वो आपके आस पास आती है। यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखिए यहाँ से अगर देखेंगे तो इसकी लाइट छोटी दिखाई दे रही है, जबकि ये बाहर आती है तो इसकी चमक बढ़ जाती है और ये हमें बराबर साइज की दिखाई देनी पड़ती है। इन द सेम वे द सन लुक्स सो बिग बिकॉज इट इज मच क्लोजर टू द अर्थ इन द कंपेरिजन टू द अदर स्टार्स, इसलिए इसी तरह से जो सूरज है वो बड़ा दिखाई देता है क्योंकि वो अर्थ से दूसरे स्टार्स की अपेक्षा पास में है। एंड द अदर स्टार लुक टाइनी एज दे आर टू फार अवे फ्रॉम अस, और जबकि दूसरे स्टार जो है वो हमें क्या दिखाई देते हैं, छोटे दिखाई देते हैं, जो क्योंकि वो बहुत ज़्यादा हमसे दूर है। क्लियर हो रहा? इस तरह से हम बस कह सकते हैं कि क्या होता है, जो स्टार्स और सूर्य सूर्य सूरज भी एक, या हम ये कह सकते हैं कि सूर्य और स्टार एक ही हैं, सन और स्टार एक ही जैसे हैं, या हम ये कह सकते हैं कि सूर्य एक तारा है, सन एक स्टार है, ठीक है। डिस्टेंस यहाँ पर मैंने बताया गया है कि कितना कितना डिस्टेंस है, मिलियन ट्रिलियन और बिलियन में बताया है। द डिस्टेंस फ्रॉम मुंबई टू पुणे इज रफली 100 किलोमीटर्स, एंड इफ यू ड्राइव इन अ कार एट द स्टीडली स्पीड ऑफ 100 किलोमीटर्स पर आवर यू मे गेट फ्रॉम मुंबई टू पुणे इन 1 आवर्स। मान लो ऐसा मान लेते हैं, मान लो मतलब अप्रोक्सीमेटली लगभग मुंबई से पुणे के डिस्टेंस कितना है, मान लो 100 किलोमीटर है, और एक कार जो कंटिन्यू चलती है, कंटिन्यू चलने के बाद वो एक घंटे में क्या कहते हैं, 100 किलोमीटर्स को क्रॉस करती, तो आप 1 घंटे में वहाँ पहुँच जाएंगे। 1 घंटे में कहाँ पहुँच जाएंगे, मुंबई से पुणे पहुँच जाएंगे, है ना। तो कह रहे ड्राइविंग एट द सेम स्पीड यू विड कवर द डिस्टेंस ऑफ 4 किलोमीटर इन 4 आवर्स, और इसी तरह सेम स्पीड से चलते जाएंगे तो 4 घंटे में क्या 400 किलोमीटर दूर पहुंच जाएंगे। तो उसी को डिस्टेंस मेंटेन कैसे करें, हाउ फार अवे इज द सन फ्रॉम द अर्थ, कितना दूर है सूर्य जो है वो घर से कितना दूर है, तो वो पॉइंट टू पॉइंट यहाँ पर बताया गया है कि कितना दूर है। द सन इज 150 मिलियन किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ, 150 मिलियन किलोमीटर दूर है सूरज धरती से। दैट इज क्लोज टू स्पेस टर्म्स, ये स्पेस टर्म्स के अकॉर्डिंग है, जो स्पेस टर्म हर चीज की टर्म्स होती है ना, हर लैंग्वेज की टर्म्स होती है, ये स्पेस टर्म, इसको मिलियन बिलियन में 150 मिलियन, जैसे हम लोग डिस्टेंस नापते तो किलोमीटर में नापते हैं, वैसे मिलियन बिलियन में नापना पड़ेगा ना, क्योंकि बहुत ज़्यादा दूर है। चलिए आगे नेक्स्ट पेज पे मूव करते हैं, पेज नंबर 156। यहाँ पर बस वही दिखाया, थोड़े से फैसिनेटिंग फैक्ट्स दिखाए हैं जो कि थोड़े से मेरे को लगता है आपके लिए टफ हो जाएंगे, बट लेट्स रीड वन टाइम, एक बार रीड कर लेते हैं। नंबर 2, द नेक्स्ट नियरेस्ट स्टार इज सो फार, अभी यहाँ पर क्या होता, बोर्ड पे थोड़ा सा ज्यादा था पर आवाज़ की प्रॉब्लम हो जाएगी इसलिए बोर्ड का यूज नहीं कर रहे हैं। द नेक्स्ट नियरेस्ट स्टार इज सो फार अवे दैट यू इफ यू वर टू ट्रैवल ऑन अ लाइट बीम इट वुड बी टेक अबाउट 4 years टू रीच, लाइट ट्रेवल मोर स्विफ्टली दैन एनी थिंग एल्स इन द यूनिवर्स, पूरे ब्रह्मांड में सबसे तेज चलने वाली चीज़ होती है लाइट, लाइट सबसे तेज चलती है, प्रकाश जो लाइट हमारे ऊपर आती है ना, सुबह देखते हैं ना सूर्य की किरणें हम तक पहुँचती है, जो उजाला होता है उसकी सबसे ज़्यादा स्पीड होती है। तो अगर सबसे नियरेस्ट तारा जो है उसके वहाँ तक हम जाना चाहें तो हमें लाइट की जो स्पीड है उससे चलेंगे, तब भी हमें 4 साल लग जाएंगे।
लाइट जितनी स्पीड से चलती है उसी स्पीड से जाएंगे सबसे नियरेस्ट तारा के पास, तो हमें 4 साल लगेंगे, इतना टाइम लग जाएगा। अब देखो लाइट की स्पीड भी यहाँ पर बताया कितनी होती है। द सन हैज़ बीन एक्टिव इन 4.6 मिलियन ईयर्स एंड हैज़ इनफ फ्यूल टू गो ऑन फॉर दी अनदर 5 बिलियंस ईयर्स। मतलब वो कम से कम 4.5 बिलियन बिलियन, अब तुमको मैंने बताया था ना बिलियन मतलब 1 अरब होता है ना, तो इतने ज़्यादा 4.6 अरब सालों से ये जो है ना ये जो एक्टिव है मतलब जल रहा है, गर्म है ये सूरज जो है हमारा, और ये लगभग और इतने जितना साल वो हो गया उससे थोड़ा और ज़्यादा जल सकता है, गर्म रह सकता है, इतनी उसमें क्या है गर्मी है, इतना फ्यूल है, ईंधन है उसमें। नंबर 4, इट्स डायमीटर इज अबाउट 1,400,000 किलोमीटर एंड टेम्परेचर एट द सरफेस इज अबाउट 6,000 डिग्री सेल्सियस एंड इट इज इवन हॉटर एट द कोर। डायमीटर होता है जैसे एक सर्कल है ना, इस एक बड़ा सा बाउल है, डायमीटर मतलब यहाँ से यहाँ तक, जैसे एक बॉल है, ये बॉल जैसा है सॉरी, तो यहाँ से लेकर अंदर इतना तुर्की इस दूरी से लेकर बीचों बीच में सबसे बड़ा डिस्टेंस होता है उसको कहते हैं डायमीटर, व्यास। आपने मैथ्स में पढ़ा होगा डायमीटर, तो उसका व्यास कितना है बता रहा है 1,40,00,000 1,40,00,000 किलोमीटर उसका डायमीटर है, इतना ज़्यादा बड़ा है। और उसका जो टेम्परेचर है वो 6,000 डिग्री सेल्सियस, बॉडी का टेम्परेचर कितना होता है 32 डिग्री सेल्सियस 37.6 डिग्री सेल्सियस में हम लोग का बॉडी गर्म रहता है, उससे ज़्यादा होता है तो हमें बुखार आने लगता है ना, और वैसे ही 6,000 डिग्री सेल्सियस इसके अंदर गर्मी है, और उतनी गर्मी केवल उसके सरफेस में नहीं, किनारे किनारे नहीं, उसके अंदर भी उतनी गर्मी है, किसके अंदर, सूरज के अंदर। तो ये थोड़े से टफ है आपके लिए समझने के लिए, बस आप एक नॉलेज के लिए रखिए, ज़्यादा इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, बाकी चीज़ें नॉलेज है कि सूर्य कैसे एक स्टार है ये बात आपको जानने वाली है। इट इज़ 400 times बिगर एज कम्पेयर टू द मून, 400 गुना बड़ा है, एक गुना नहीं, जितना बड़ा चांद है ना मून उससे 400 गुना ज़्यादा बड़ा है सूर्य, और प्रकाश मतलब सूर्य तक पहुंचने के लिए हमें 4 साल लग जाएंगे अगर हम किसकी स्पीड से चले, प्रकाश की स्पीड से चले, मतलब जो लाइट बीम होती है ना उसकी स्पीड चले, और दुनिया पूरे यूनिवर्स में उससे प्रकाश से ज़्यादा तेज कोई नहीं, किसी की रफ्तार नहीं, किसी की स्पीड नहीं होती। ठीक है, यहाँ पर फैसिनेटिंग फैक्ट दिया है, ट्रैवलिंग इन एन एरोप्लेन इज अ फास्ट वे टू गो बट इज इट वॉन्ट वर्क इन स्पेस। मतलब एरोप्लेन से ट्रैवल करना सबसे ज़्यादा फास्ट माना जाता है ना, बहुत जल्दी हम लोग जब एरोप्लेन से ट्रैवल करते हैं तो एक जगह से दूसरी जगह पहुँच जाते हैं, पर ये स्पेस में नहीं जाता। स्पेस क्या है, स्पेस में जहाँ मतलब हवा भी नहीं है, ऐसी जगह बहुत ऊपर जगह। द क्विकेस्ट वे वुड बी एन ऑन अ बीम ऑफ लाइट, सबसे ज़्यादा तेज चलने वाली जो वो है वो लाइट की स्पीड है। इट जिप्स थ्रू स्पेस इन 13,00,000 किलोमीटर पर सेकेंड, कितना 13,00,000, देखो एक कार कितना चलती है, एक 100 किलोमीटर बहुत तेज चलेगी तो 100 किलोमीटर एक घंटे में चलेगी, लेकिन वो कितना 30,00,000 किलोमीटर एक सेकेंड में चलती है, एक घंटे में नहीं एक सेकेंड में चलती है, इतना स्पीड होता है किसका, एक प्रकाश का, प्रकाश मतलब जो बीम लाइट बीम होती है ना सूरज से जो निकलने वाली किरण उसका स्पीड होता है। एट द स्पीड ऑफ लाइट यू कुड सर्कल द अर्थन 7 times in 1 second, एक बार में पूरी दुनिया को 7 एक सेकेंड में इतनी स्पीड से अगर चलोगे तो पूरी दुनिया को 7 बार घूम लोगे, एक बार नहीं एक सेकंड में 7 बार घूम लोगी, इतना स्पीड होता है। तो आप लोग अंदाजा लगा सकते कितना ज्यादा स्पीड है लाइट का, मतलब अगर आप जो सूर्य जो प्रकाश की जो चाल है ना जो सबसे ज्यादा स्पीड है ना उस स्पीड से अगर चलेंगे तो एक सेकंड में 7 बार ये पूरे वर्ल्ड को घूम लेंगे, एक बार नहीं 7 बार। इन अ ईयर अ बीम लाइट इज ट्रैवल अबाउट बापरे बाप वो 1,000, 10,000, 10,000,000,000, 10,000,000,000, 10,000,000,000, 10,000,000,000, 10,000,000,000, 10,000,000,000, 10,000,000,000, 95,000,000,000 किलोमीटर
इसको हम बोल सकते हैं 9 बिलियन, 9 ट्रिलियन, इसको अमेरिकन वर्ड में 9 ट्रिलियन बोलेंगे, या 95 खरब किलोमीटर एक साल में ट्रैवल करती है। दिस डिस्टेंस इज वन लाइट ईयर, ये एक साल हो, इसे वन लाइट ईयर कहते हैं। तो मतलब इसका ये जो क्या है ना, आप लोगों को थोड़ा सा हैवी लग रहा होगा क्योंकि प्रकाश की जो चाल है ना, गिनना बहुत मुश्किल है। मतलब आपको 9 ट्रिलियन किलोमीटर एक साल में वो बीम लाइट, जो लाइट बीम है वो ट्रैवल करती, इतनी स्पीड होती है एक ईयर में, उसने इतना दूरी डिस्टेंस मेंटेन करती है। तो और इसको ही कहते हैं वन लाइट ईयर, एक साल में जितना वो लाइट ट्रैवल करती है, यानी 9 ट्रिलियन किलोमीटर ट्रैवलिंग करती है लाइट, उस डिस्टेंस को वन लाइट ईयर कहते हैं। ये लाइट की को मापने का, जैसे कि हम लोग डिस्टेंस मापने के लिए किलोमीटर किलोमीटर यूज़ करते हैं, वो लाइट की, लाइट का जो स्पीड है उसको नापने के लिए ईयर, लाइट ईयर यूज़ किया जाता है। मतलब प्रकाश की चाल को यूज़ करने के लिए लाइट ईयर यूज़ किया जाता है। आगे चले, हैव अ लुक एट सम ट्रैवल टाइम फ्रॉम अर्थ आइदर बाय जेट और ऑन अ लाइट बीम। मतलब जेट की जो स्पीड है उससे और लाइट की स्पीड है उससे एक ट्रैवल की एक जगह से दूसरे जगह, मतलब जो अर्थ से है सन में जाने के लिए, मार्स में जाने के लिए, प्लूटो में जाने के लिए कितना कितना टाइम लगेगा अगर जेट से जाएंगे तो और लाइट से जाएंगे, उसको कंपेयर करने के लिए यहाँ पास एक टेबल दिया हो, उसको पढ़ लेते हैं। चलिए, तो पहला डेस्टिनेशन है सन। अर्थ से अगर हम सन जाते हैं तो जेट से जाएंगे तो 17 साल लग जाएंगे, सूर्य तक जाने के लिए हमें 17 साल लगेंगे जेट से जाएंगे तो, है ना। एरोप्लेन से तो जा ही नहीं सकते क्योंकि वो स्पेस पे चलेगा नहीं, जेट जाएगा, जेट से हम जाएंगे तो 17 साल लगेंगे। और अगर लाइट इससे जाएंगे, लाइट स्पीड से जाएंगे, लाइट स्पीड अगर लाइट अपनी स्पीड से जाएगी तो 8.5 मिनट में, मतलब 9 मिनट से कम में हम पहुंच जाएंगे सूर्य में। मार्स, मार्स क्या है, मार्स क्या है, अर्थ के बाद का प्लैनेट है, जो हम अर्थ पे रहते हैं उसके बाद मार्स आता है, तो मार्स में जाएंगे तो हमें साढ़े 8.5 ईयर्स, लगभग 9 साल लगेंगे जेट से जाएंगे। और वही अगर हम बीम लाइट जाएगी तो 5 मिनट में पहुंच जाएगी, इतनी स्पीड होती है जेट, जेट कितनी स्पीड की होती है, एयरप्लेन से ज़्यादा स्पीड में रहता है जेट, उससे भी ज़्यादा स्पीड में। देखिए लाइट का कितना कंपेयर कर सकते हैं। प्लूटो, प्लूटो पहले एक हम लोग ग्रह मानते थे, एक प्लैनेट मानते थे, अब वो नहीं है तो वो अब ग्रह की उसमें से गल आगे है, तो सबसे ज़्यादा दूर वाला है। अगर अर्थ से हम प्लूटो तक जाते हैं तो हमें 690 साल लग जाएंगे जेट स्पीड से जाने में, अगर लाइट स्पीड से जाएंगे तो 5 घंटे 25 मिनट में वहां पहुंच जाएंगे। नियरेस्ट स्टार, मतलब सूर्य के बाद, सूरज के बाद एक और स्टार है, जो तारा है जो सबसे पास है, उसे अल्फा सेंचुरी कहते हैं। अल्फा सेंचुरी जाने के लिए हमें जेट का स्पीड कितना लगेगा, 48 लाख ईयर्स, 48 लाख साल लगेगा, 48 लाख साल लगेगा, जबकि हम 4 साल 2 महीने में हम कहाँ पहुँच जाएंगे, लाइट स्पीड पहुँच जाएगी। तो इतना ज़्यादा स्पीड होती है लाइट की। तो ये आपको टेबल इसलिए बताया गया कि स्पीड पता, इतनी ज़्यादा स्पीड होती है लाइट की, आप इस तरह जान सकते हैं। सो बेटा आई थिंक ये आपके लिए थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, थोड़ा ज़्यादा ध्यान लगाना पड़ रहा है, पर आप इसे अच्छे से केयरफुली पढ़ें और स्पेस पढ़ें, और ये जो आपको दिया है ये आप होमवर्क में बनाएं, ये डायग्राम आपको होमवर्क में बनाएं। इससे हम नेक्स्ट क्लास में क्या पढ़ेंगे, सन, उसकी फैमिली, ये उसकी फैमिली के बारे, सौर मंडल जो सोलर सिस्टम है ये उसका डायग्राम है। तो आप इसे आज के लिए होम एज अ होमवर्क, इसे अपनी कॉपी पे, नोटबुक पे इसे क्या करें, इस डायग्राम को मेंशन करें, दिस विल बी योर होमवर्क, और ये जो चैप्टर है इसे ध्यान से पढ़ें, दिस विल बी योर क्लास वर्क। सो कीप डूइंग, कीप सेंडिंग योर क्लास वर्क एंड होमवर्क, एंड विल मीट इन आर नेक्स्ट क्लास। सो टिल देन स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड एंड बी केयरफुल, हैव अ नाइस डे।